नाम ज्यादा रत्ना कहाँ है? बोल क्या बात है सरकार, मेरे बच्चे से कोई भूल हो गई? भुट्टे अबे ओ खोसट, तेरा बेटा बहुत बहादुर है जिसने मेरे चार आदमी की मुखबरी करके मेरे सब आदमी को सलाखों के अंदर कर दिया। इसी खुशी में पता है मैं क्या करने आया हूँ? उसे बहुत ही अच्छा खूबसूरत इनाम देने आया हूँ। बता अपने मुन्ने को कहाँ छुपा रखा है? वो तो गंगा घाट में स्नान करने गया है। चलो सिंह, जाविर खान और बादशाह खान, तुम चारों पर हस्तीपुर गांव में डकैतनी, कत्ल और खून के सारे इल्जाम साबित हो चुके हैं। लिहाजा ये अदालत तुम्हें ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। इंस्पेक्टर, तू तो बहुत खुश हो गया होगा, लेकिन तू ये नहीं जानता कि हम सालिम सिंह के आदमी हैं। मैं जानता हूं कि तुम डाकू सालिम सिंह के आदमी हो, वो भी बहुत जल्द इन बेड़ियों से नाता जोड़ लेगा। नाता तो तू अब जोड़ेगा इंस्पेक्टर, वो भी मौत से। कसम खुदा की, खुदा से दुआ मांग कि हम जेल से फरार ना हो, वरना तू जिंदगी से फरार हो जाएगा। अपने पैरों की बेड़ियां तो देखो, ठीक से चल भी नहीं सकते, भागने का ख्वाब भी मत देखना। हवलदार ले चलो इन कुत्तों को। डाकू जालिम सिंह आज शहर में हथियार खरीदने के लिए आ रहा है और शाम को चंपा बाई के कोटे पर मुजरा सुनने जाएगा। यह तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितनी पुलिस फोर्स चाहिए ले जाओ। मुझे हर कीमत पर जालिम सिंह चाहिए। आपको जालिम सिंह मिलेगा सर, मगर मैं पुलिस फोर्स को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुलिस की बूझ सुनकर ये चूहे बिलों में घुस जाते हैं। सर मैं अकेला ही जाऊंगा। अकेले जाने में खतरा है करण? खतरों से खेलना तो हम पुलिस वालों का काम है सर, आप मुझे भरोसा रखिए, आपको मायूसी नहीं होगी।
मुझे उठ, मुझे अकेला पकड़ने चला था। अरे पगले, जालिम सिंह बहुत कुत्ती चीज है जो अपने दुश्मन को हजारों मील से कुत्तों की तरह सूंघ लेता है। मेरी नजरों ने तो तुम्हें पहले ही देख लिया था। ये चल, अब उस खिलौने को निकाल। यार, ये कोई बच्चों का खिलौना है। लाला लाला, हाँ, अब अच्छे बच्चों की तरह सावधान हो जा। सावधान। अरे मुन्ने, रुक जा। अब दाढ़ी निकाल, निकाल। बहुत चिकना है। आगे बढ़, चल बढ़, चल बढ़, चल बढ़, फौजी की तरह आगे बढ़। पुलिस वाला है, आगे बढ़। शोला, तो उसे बुझाने के लिए मेरे हाथ ही काफी है। ये रात का खाना था, सुबह का नाश्ता इससे भी ज्यादा गर्म होगा। चार पांच दिन पुलिस खातिर करेगी ना, तो होश खुद ब खुद ठिकाने आ जाएंगे। इंस्पेक्टर, मेरी जुल्म की तलवार से तू बच नहीं पाएगा। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमसे कोई भूल नहीं चंपा। इनाम का लालच अक्सर इंसान का ईमान खराब कर देता है। भूल तो जालिम सिंह से हुई है, जो ये भी नहीं जानता कि जितने बल तवायफ की कमर में होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बल तवायफ के चरित्र में होते हैं। अगर तुम्हारी तरह हर लड़की मुजरिमों को अपने प्रेम के धागे से बांधने लग जाए, तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। मुजरिम वही बनते हैं जिन्हें इस दुनिया से नफरत मिलती है, और इस नफरत को वो दुनिया में बांटते हैं। मैं चाहती हूँ उनकी ये नफरत दुनिया में ना बंटे, बल्कि प्यार के गंगा जल में बह जाए, और उनका मन गंगा जल की तरह निर्मल हो जाए। शाबाश बेटी, शाबाश। जाओ, कैदी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी अंक। भैया, अपनी बहन को भूलना नहीं? नहीं भूलेंगे। रुक जाइए मैडम, आप इससे आगे नहीं जाए तो अच्छा है। क्यों, आगे कोई भूत प्रेत है क्या? भूत प्रेत तो नहीं,
कैदियों की सूरत में चार खूंखार जंगली जानवर जरूर हैं जो रिश्तों की नजाकत को नहीं समझते। आपकी ये राखी के धागे उन्हें इंसान नहीं बना सकते, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं वो आपके साथ वैश्याना सलूक न कर बैठे। प्यार के धागे उन्हें इंसान नहीं बना पाए तो उनका वैश्यपन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपने उन खूंखार जानवरों को पिंजरे में जो डाल रखा है। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। प्लीज बी केयरफुल। थैंक यू। अपने भाइयों को राखी बांधने आई है। हमें तो अपने माँ बाप का भी पता नहीं, फिर ये बहन कहाँ से आ गई? इसका मतलब आप लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? कोई क्यों नहीं, ये हथकड़ियाँ हैं, ये भेड़ियाँ हैं और चिरक ये सलाखें हैं। मगर प्रेम का एक पवित्र धागा नहीं जिसे दुनिया राखी कहती है। हमें भाई भाई बनने का कोई शौक नहीं, हम जानवर हैं इंसान नहीं, हमें राखी वाखी बंधवाने का कोई शौक नहीं। ए लड़के, हैवानों को इंसान बनाने की कोशिश मत कर। ऐसा लगता है तुम चट्टानों को अपनी जगह से हिलाने आई हो। नहीं, मैं तुम लोगों को राखी के इस पवित्र बंधन में बांधकर ये एहसास दिलाने आई हूँ कि जेल की चार दीवारी में रहकर भी तुम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, और सजा पूरी होने के बाद अपने नेक इरादों से एक ऐसी दुनिया बसा सकते हो जिसमें जुर्म की रात का अंधेरा नहीं बल्कि मेहनत, शराफत और ईमानदारी का सवेरा हो। ए लड़की, बहुत हो चुका तेरा ये भाषण, अब जा यहाँ से। सुना नहीं, ये धागे ले जाके किसी कुत्ते के गले में बांध दे। ये जलील कुत्ते रेशम के धागों के नहीं, कानून के सख्त पट्टों के आदि हो चुके हैं। इनके हाथों को सिर्फ हथकड़ियां ही रास आती हैं, राखियां नहीं। ये वैशी क्या जाने रिश्ते नाते और भाई बहन का प्यार। इंस्पेक्टर, अगर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाला तो जबान हलफ से निकाल के हाथ में दे दूंगा। मैं जानता हूं राखी के धागे और भाई बहन का प्यार क्या होता है। मैं इन रिश्तों की आग में जल चुका हूं इंस्पेक्टर। मैं जिंदगी की हर खुशी रिश्तों पे कुर्बान कर चुका हूं। मेरा एक जिगरी यार था राम, वो गुजर गया, उसकी इकलौती बहन, और मैंने उसे अपनी बहन की तरह, अपनी बेटी की तरह पाला। जो कुछ भी बन पड़ा मेरे माँ बाप का प्यार दिया उसे, अच्छे घर में शादी की, जो कुछ भी बना दहेज में दिया। लेकिन उन लालची कुत्तों ने, उसके ससुराल वालों ने,
जिन लोगों ने मेरी बहन को जला के मारा था, मैंने उन सबको मार के अपनी बेटी समान बहन की मौत का बदला ले लिया। लेकिन उससे मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल गया, इसलिए मुझे हर रिश्ते से डर लगने लगा है। मेरी रूह कांप जाती है जब कोई लड़की मुझे भाई कहती है या बेटी बाप। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी समान बहन की मौत का वो मंजर दिखाई देने लगता है। बहन, मंजर दिखाई देने लगता है। तुम्हारी इस बहन को मुश्किलों से लड़ना आता है खान भाई, मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। ले बहन, बांध राखी। लो बहन, बांधो राखी। लो बहन, मुझे भी राखी बांधो। हाँ। करण बेटे, आज ड्यूटी पे जाने से पहले तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैं सोच रही हूँ कि तुझे आज हथकड़ियाँ पहना ही दूँ। अरे सोचो मत माँ, पहना ही दो ना। लेकिन माँ, मेरा अपराध क्या है? तुम्हारा अपराध यही है कि तू घर का सारा काम अपनी माँ से करवाता रहता है, खाना पीना नाश्ता पानी। अरे एक पल अपनी माँ को आराम से रहने नहीं देता। मैं अपने अपराध का हर्जाना भरने के लिए तैयार, घर में एक नौकर रख देता हूँ। इस घर को नौकर की नहीं मालकिन की जरूरत है। ओ तो तुम मुझे उम्र कैद सुनाना चाहती हो? सुनाना नहीं चाहती, देना चाहती हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है माँ? ठीक है माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहा है, इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ अगर तुम्हें बहू की इतनी सख्त जरूरत आन पड़ी है ना, तो मैं शादी करने के लिए तैयार। पहले बड़ा शादी करेगा फिर छोटा। अच्छा वाह। अरे माँ, ये दीनदयाल जी तो बहुत रसिक आदमी दिखाई देते हैं, क्यों भैया? चुप, चल अंदर। मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंज, एक्सरसाइज चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या बदतमीजी है विजय? शरीफ लोग दरवाजे पर दस्तक किया करते हैं, ताक झाक नहीं करते। अरे हाँ माँ, मगर दस्तक तो घर के दरवाजे पर करते हैं ना। मगर ये घर कहाँ, ये तो इंद्र का अखाड़ा है माँ। और अंदर अंदर अप्सराएं नाच कर रही हैं। क्या? देखो देखो देखो, ये अप्सराएं। ए, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटी, हम लोग दीनदयाल जी से मिलने आए हैं। ओह, तो आप पिताजी से मिलने आए हैं? पिताजी, तो तुम दीनदयाल जी की बेटी हो? क्यों, मैं आपको उनकी बेटी नहीं लग रही हूँ? वो तो उनको देखकर ही पता जा सकता है। मेरा मतलब है आपकी शक्ल, उनकी सूरत, वो माँ शायद हम लोग गलत जगह पे आ गए। नहीं जी नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आइए पिताजी। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम पार्वती है। वो पंडित जी ने आपसे रिश्ते के। ओहो, आइए आइए। ये मेरा बेटा करण है जिसके रिश्ते के लिए मैं आई हूँ, और ये मेरा छोटा बेटा विजय है। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बेटी शालू जी। अरे बेटा मेहमान आया है, कुछ जलपान का इंतजाम करो। जी पिताजी। हाँ। दीनदयाल जी, आपकी बेटी है सुंदर, मगर लगता है उस पर विदेशी सभ्यता का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और मेरा बेटा भारतीय संस्कारों में विश्वास रखता है। जिसके रिश्ते के लिए आप आए हैं ना, वो मेरी ये बेटी नहीं, वो मेरी बड़ी बेटी है। शुक्र है। अच्छा तो वो कहाँ है? वो पूजा कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you.
साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे गंगा बेटी, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। रहने दीजिए दीनदयाल जी, क्यों अपनी बेटी को धर्म संकट में डाल रहे हैं? जाओ बेटी, जाओ। ना तो वो आपकी आज्ञा टाल सकेगी और ना अपने लाज का पहरा तोड़ सकेगी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। नहीं, मेरा मतलब है इसको भी मंजूर है। मंजूर है ना? मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। भाभी तो माँ समान होती है और माँ के चरण स्पर्श करने से मुझे तो स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। भाभी, तुम हो? मैंने समझा तुम्हारे भैया आए हैं। अब तो पता चला ना, भैया नहीं, मैं आपका देवर हूँ, छोटा देवर। और छोटा देवर बेटे के समान होता है। भला कोई माँ अपने बेटे से यूं शर्माती है? ये बात नहीं है देवर जी, मैं तो सोच रही थी कि पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान किए होंगे जो आप जैसा देवर पाया है। सिर्फ मोती नहीं भाभी, आपने तो हीरे भी दान किए होंगे। वो कैसे? देखो, मोती दान में आपने मुझे पाया। हाँ। और हीरे दान के पुण्य में भैया को। मेरे भैया साक्षात प्रभु राम का रूप है। हाँ, वो तो देखकर ही पता चलता है। अरे भाई, देवर भाभी में क्या क्या मशवरा हो रहा है? रामायण का पाठ हो रहा है भैया। अच्छा अच्छा महाराज, अब आप तशरीफ ले जाइए। जो आज्ञा प्रभु रामचंद्र जी, जो आज्ञा है। इसकी बात का बुरा ना मानना गंगा, ये जरा शरारती है। और आप? मैं तो बहुत शरीफ हूं, मगर सोचता हूँ आज की रात के लिए शराफत छोड़नी पड़ेगी। हेलो इंस्पेक्टर करण, गौर से सुनो। एसपी साहब हमारे कब्जे में हैं। अगर उनकी जिंदगी चाहते हो सालिम सिंह को लेकर काली पहाड़ी पर आ जाओ। अगर किसी किस्म की होशियारी की तो लाश मिलेगी। ओके, मैं आ रहा हूँ। सावधान इंस्पेक्टर, मुझे पता है कि तुम अपने धंधे से गद्दारी करने आए हो। कहां ले जाओगे मुझे, मेरे अपने अड्डे पर या काली पहाड़ी पर? ये तो वक्त का तकाजा है जालिम सिंह, और वक्त तुम्हें कहां ले जाएगा ये तुम बहुत जल्द जान जाओगे। सावधान! यहां तो कोई भी नहीं है। ए माटी मिले, ये तो तेरी आंखों का धोखा है। मैं बताता हूं। देखो, सालम सिंह की प्लेटून। देखो, सब तक मत दे, मत तो दे, मत तो दे। मेरे मुन्ने आ गए। मैं सालम सिंह को लेकर आ गया हूं। एसपी साहब को मेरे हवाले कर दो। जालिम सिंह को मेरे पास आने दो, फिर हम एसपी साहब को जाने देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। 10 कदम जालिम सिंह तुम्हारी तरफ बढ़ेगा और 10 कदम एसपी साहब मेरी तरफ बढ़ेंगे। बोलो, मंजूर है कि नहीं? हाँ मंजूर है। तेरी जेब में मैंने टाइम बम रखा है और रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। सुन, अगर तुम्हें जाबी गबर की कुत्ते
तो इतना याद रखना, तेरे चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, समझा? मेरे प्यारे मुन्ने, अब चला रिमोट कंट्रोल, पर याद रख, इसके चलाने से अगर मैं फट गया तो तेरा एसपी भी फट जाएगा। इसलिए प्यारे मुन्ने की तरह अपना रिमोट कंट्रोल सामने फेंक दे और प्यार से बोल सावधान। क्या चंबा भाई का खून हो गया? इससे साफ जाहिर होता है कि डाकू जालिम सिंह और ठाकुर कृपाल सिंह का आपस में तालमेल है, जिसकी वजह से ठाकुर के लठेर आसपास के गांव के गरीब किसानों के जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा जमा रहे हैं। बहन बहुओं की इज्जत दिन दाड़े लूटी जा रही है। शाम होते ही लोग घरों में छुप के बैठ जाते हैं। हर गली में वहशत का नंगा नाच हो रहा है। कानून और न्याय की आवाज घुट कर रह गई है। वहां के थाना इंचार्ज ने कोई इंक्वायरी नहीं की सर? जो भी वहां जाता है ठाकुर उसे खरीद लेता है, इसीलिए मैं तुम्हें थाने का इंचार्ज बनाकर वहां भेज रहा हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कट सकते हो मगर बिक नहीं सकते। तू क्यों उदास हो रहा है? सारी रौनक तो तुम अपने साथ ले जा रहे हो और मुझसे पूछते हो कि मैं क्यों उदास हो रहा हूं। अरे भैया, तुम ऐसा करो, तुम मां को अपने साथ ले जाओ और भाभी को मेरे पास छोड़ जाओ। उसे कैसे छोड़ सकता हूं? अरे अपनी मां को तो अपने साथ ले जा रहे हो, मैंने कुछ कहा? कम से कम मेरी माँ को तो मेरे पास छोड़ जाओ ना। ठीक है, तुम खुद उसे बात कर लो। वो क्या जवाब देगी? हाँ, तुझे ये नहीं पता कि अगर हिंदुस्तानी पत्नी को ये पूछा जाए कि वो अपने पति और बेटे में से चुने तो वो हमेशा अपने पति को चुनेगी? लो भाभी, माँ ने आपकी तरफ से जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूँ? अपना फर्ज पूरा करो, अपने भैया की तरह किसी भी मुजरिम को हाथ से मत जाने दो। ऐसी शिक्षा मत दो भाभी, कभी आपसे कोई जुर्म हो गया तो मेरे हाथों में हथकड़ियां बना देना। ना भाभी, भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए। अब चलो भी, बातों का सिलसिला छोड़ो, वो नकारी छूट जाएगी। अरे हां, अच्छा अच्छा, भैया ने आज पहली बार कुछ सही कहा। हां शालू, शालू, ये क्या हो गया? शालू, शालू, ये क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना, किसी भी तरह 10 मिनट तक अपने आप को बचाए रखो। तुमने इतना भी मेरा इंतजार नहीं किया शालू, इतना भी मेरा इंतजार। मैंने 10 मिनट इंतजार किया, तुम 5 मिनट लेट आए। 5 मिनट लेट आने की इतनी बड़ी? शालू, तुम जिंदा हो? जी हाँ। तो फिर वो सब क्या था? नाटक था। नाटक? हाँ। ऐसा जानलेवा नाटक करने की क्या जरूरत थी शालू? हाँ? जरूरत? 8 दिन से तुम मुझे नहीं मिले हो, घर फोन करो तो पता चलता है कि साहब पुलिस स्टेशन गए हुए हैं, पुलिस स्टेशन फोन करो तो पता चलता है कि साहब केस की तहकीकात कर रहे हैं। सोचा पुलिस वाले बगैर वारदात के आते नहीं है, क्यों ना वारदात की जाए। अच्छा, तो तुम वारदात करना चाहती थी? मगर वारदात तो मैं करूंगा। Oh,
से बादल जो बरसात से हो ओ हो चांद कहे जो रात से बादल जो बरसात से ऐसा ही कुछ आपसे मुझको कहना है चांद कहे जो रात से बादल जो बरसात से ऐसा ही कुछ आपसे मुझको कहना है इनको गांव के गेस्ट हाउस तक ले जाओ। अच्छा साहब। माँ, मैं जरा पुलिस स्टेशन में हाजिरी देकर आता हूँ। अच्छा। चल। भाग, 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 भाग
अरे भागती कहाँ है तू? आजा, आजा, आजा। तुम उस तरफ जाओ, मैं नहीं देखता हूं। कौन हो तुम लोग? हमारे गांव में आकर हमसे पूछते हो कि हम कौन है? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो या क्या करने आए हो? मुझे पता चला है कि यहां पर कुछ पागल कुत्ते खुले घूमते रहते हैं। मैं उनके गले में कानून का पट्टा डालने आया हूं। कुंवर, बात में दम है। सो तो है। अरे वाह लाले, तो तुम पुलिस वाले हो। कोई बात नहीं, शाम को अगली आ जाना, लेन देन का हिसाब किताब आराम से कर लेंगे। इंस्पेक्टर करण, लेन देन का मामला शाम पर नहीं छोड़ता, हाथ के हाथ हिसाब किताब करता है। मेरी बातों से ज्यादा मेरे हाथों में भी दम है। इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को अंदर कर दिया। उसे ये नहीं पता कि मैं उसके सारे खानदान को खरीद सकता हूं। अरे बापू, ये इंस्पेक्टर वो लोहा है जिसे आपके नोटों की गर्मी भी पिघला नहीं सकेगी। जो हमारे नोटों की गर्मी से नहीं पिघलता, हमारे इंतकाम की आग उसे जलाकर राख कर देती है। कौन है वो माइका लाल जिसने ठाकुर कृपाल सिंह के बेटे को हवालात में बंद करने की हिम्मत की? मैं वो माइका लाल। आपकी तारीफ? हमारा नाम ठाकुर कृपाल सिंह है। हम गंगापुर के जमींदार हैं, इस इलाके के बेताज बादशाह। ये कुर्सी शरीफ लोगों के बैठने के लिए है, गुंडे बदमाशों के लिए नहीं। इंस्पेक्टर कृपाल सिंह, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी हवेली नहीं, समझे? तुम्हारे सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तुम्हारा करिंदा नहीं। इंस्पेक्टर अपनी औकात में रहो, हमारा नाम ठाकुर कृपाल सिंह है। चट्टाने भी हमसे टकराती हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। चट्टाने तो बेजान होती हैं, वो बेचारी किसी से क्या टकराएंगी? अगर टकराने का इतना ही शौक है तो हम पुलिस वालों से टकरा कर देखा, एक ही रात में सारी ठकुराई ना निकाल दी तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर करण नहीं। काम की बात करो। मैं तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया हूं, अपने बेटे को लेने आया हूं। कोर्ट से ऑर्डर लाया हो? इसकी जरूरत महसूस नहीं की। तो अपने घर जाओ, मैं ये जमानत मंजूर नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर करण, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, इट्स माय ऑर्डर। हवलदार, छोड़ दो इन्हें। आइए कमिश्नर। इंस्पेक्टर, ये हमारा इलाका है, यहां शतरंज की बिसात भी हम ही बिछाते हैं, मोहरों की चालें भी हम ही चलते हैं, और मोहरों को पीटते भी हम ही हैं। इसी शतरंज में एक मोहरा ऐसा भी होता है जो ढाई घर उल्टा चलकर बादशाह तक को भी मात देता है, ये शायद आप नहीं जानते। आओ चलें। घोड़े का
किसी भी और ढाई घर चल के मात देने का मतलब समझते हो ठाकुर? आपका इशारा उस इंस्पेक्टर की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल। इससे पहले कि वो ढाई घर चलकर हमें मात दे, हम उसकी टांग ही तोड़ देंगे। घोड़ी की टांग तोड़ने से काम नहीं चलेगा ठाकुर, हमें उसे इसकी चाल बदलने पे मजबूर करना होगा। और कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी टांग भी ना टूटे और हम बाजी भी ना हारें। ठाकुर, कृपाल सिंह ने जिंदगी में कभी कोई बाजी हारी नहीं है। हमने बड़े बड़े रुस्तमों को पछाड़ कर उन्हें अपने रंग में रंग दिया है, और ये तो कोई नया रंग रूट है। फिर भी हम जो चाल चलें, सोच समझ के चलें। बस मैं तो अब थक गई। अय्या, हम नहीं थका जी, हमारा जी करता तुमको दिन रात हम डांस सिखाता जी, तुमको छोड़कर किधर नहीं जाता जी। अय्यो, लेकिन तुम्हारे रावण बाप का हमको बहुत डर लगता जी। धीरे बोलिए मास्टर जी, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया तो समझ जाओ हो गया मेरा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा मत बोलिए मास्टर जी, भगवान करे आप हजारों साल जिए। अयो, आपने इतना प्यार से दुआ दिया जी, रोना आ गया। आप बहुत भोले हैं मास्टर जी। बोला? हाँ जी, बहुत बोला जी। आपने मुझे सपने में भी यही बोला जी। सपने में? हाँ, सपने में मैं तोता और तुम हमारी मैना और तुम गाता जी, तोता मेरे तोता मैं तेरी हो गई। मास्टर जी, ऐसे सपने कभी मत देखिए जिसका अंजाम हम दोनों के लिए बुरा हो। गंगा, जरा टॉवल तो देना। अभी लाई। लीजिए। आ जाओ। अरे बाथरूम में कौन देखेगा। रानी साहब, इस नाक को छोड़ देंगे तो ये किसी को काट लेगा। नहीं, नाक बिना वजह किसी को नहीं डसते, फिर ये तो हमारे देवता हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। ये तो आदमी है जी। गुड मॉर्निंग सर जी। आओ ये स्वामी, आओ बैठो। ये इधर हमारे जैसे शरीफ आदमी को क्यों बुलाया जी? यहाँ तो लुच्चे, लपंगे, चोर, जेब कतरे आते हैं जी। आज इधर एक जेब कतरा आया है, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। हजाम है वो, बताता है कि वो तुम्हारा भाई है। हाँ, हजाम जेब कतरा हमारा भाई नहीं हो सकता जी। हाँ। अच्छा, बुलवाओ। हाँ बुल, क्यों बुलाते जी, हमको मालूम नहीं कौन भाई है जी। हवलदार, उस हजाम को लेकर आओ। अलियो, काय को बुलाते जी, हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जी, हजाम नहीं हो सकता जी। ऐसा? हाँ भैया। अयो अयो भैया, आओ लोगो। अयो भैया, छोड़ छोड़। अरे क्या कर, छोड़। अरे
हमको बचा लो भैया, हम तुम्हारे वास्ते इस गांव में चले आए भैया। काय को है जी, हम पटना से चलते चलते आ गए तुम्हारे वास्ते भैया, हमको बचा लो भैया। अयो मेरा लुंगी छूट जाएगा, लोग हंसेंगे जी। ए, ससुर इंस्पेक्टर ने हमको पटक लिया भैया, हमको बचा लो भैया, हमको बचा लो, बचा लो भैया। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोलते जी, ये मेरा भाई भी कुछ नहीं है, जेरोस्कोपी है जी। इंस्पेक्टर साहब झूठ बोलते है भैया। आइए स्वामी, इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है, जुड़वे भाई लगते हो तुम दोनों, फिर क्यों पहचाने से इनकार कर रहे हो? हाँ भैया, ऐसे कितने लोगों को पहचान कर हमारे गले में मुसीबत डालू जी। ऐसे छह भाई है हमारे। क्या छह भाई? छह भाई, वो एक लंबी कहानी है, जोर से नहीं बोल सकता जी, नजदीक आओ जी, नजदीक आओ। वो क्या है, हमारा बाप ट्रैवल एजेंट, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में घूमता जी, और हर जगह अपना मुंह डाल के शादी करता जी, और हमारे जैसा मॉडल पैदा करता जी। बिहार, यूपी, राजस्थान, साउथ, महाराष्ट्र जी, यू अंडरस्टैंड मी? लगता है तुम्हारे बाप ने घर में पूरा हिंदुस्तान जमा कर लिया है। काय का हिंदुस्तान जी, अपने मौज मजा के लिए हिंदुस्तान को खतरे में डाला। अच्छा हुआ युगांडा में पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इधी अमन पैदा करता जी। भैया चुप रहे भैया, आयो भैया, हमारी जमानत भरवा दो वरना हम यही मर जाएंगे भैया। अयो तुम किधर भी जाके मर जाओ यार, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। हाँ आइए स्वामी, आखिर आखिर ये तुम्हारा भाई है। भाई का भैया जी, इसकी जमानत देना तुम्हारा फर्ज बनता है। अरे मेरे बाप ने उसको पैदा किया, उसका फर्ज बनता है जमानत देना, लेकिन ऊपर गया आएगा कैसे जी? ससुर कहाँ गए भैया, हम उस आदमी के बाल पर कैंची चलावत रहे, हमार कैंची उसके जेब पर कैसे चल गई हमका मालूम नहीं भैया, हमसे भूल हो गई भैया, हमको बचा ही लो भैया, हमको बचा ही लो। जान क्या क्यों पीछे पड़ा यार, मान जाओ। ठीक है आप बोलते तो मान लेते जी। देखो बाबू लाल, मैं जमानत देता हूँ, लेकिन जमानत देने के बाद पहली स्ट्री पकड़ के बिहार चले जाना, समझे? यहाँ पर कैंची नहीं चला, समझे? था हाँ जी, हम पटना जाएगा और वहाँ जाकर इलेक्शन में खड़े रहेंगे जी। इधर है कागज जी। हाँ यहाँ। रुक और रुक जो जाने वाली रुक जा, अरे गौरे रुकना, हम रोकना, हम इतना सुरिया गाना गाता और तुम शोले के बसंती की टांगे की तरफ भागता जी। कल डांस सिखाने कब आओगे? अयो हम तुमको डांस सिखाने को आता जी, लेकिन देव मुर्गन जानता है जी, हमारा दिल तुम्हारे इशारे पर चम चम करके नाचता है जी। हम तुम्हारा नृत्य गुरु, पर तुम हमारी प्यार की देवी है जी, हमारे दिल के मंदिर में हम आपकी पूजा करता जी। चाहती तो मैं भी तुमको बहुत हूँ यार स्वामी, पर अयो रामा, आप हमको अय्यर स्वामी मत बोलो जी, सिर्फ स्वामी बोलो जी। तूने ठाकुर खानदान की पगड़ी गांव के चौराहे पर उछाल दी, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो ठाकुर खानदान शरीफ औरतों का आचर गांव के चौराहे पर उछालता है, उसका क्या होगा? हम पर सवाल चलाती है। ये क्या किया जी, इस देवी को मारा? भगवान मुर्गन आपको छोड़ेगा नहीं जी, वो आपको भी मारेगा जी। कमीने, हमारी इज्जत पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमको मारा, नटराजन को मारा, नृत्य सम्राट को मारा, तुमको फोड़ा होगा, फोड़ा। चल फोड़ यहां से, वरना तेरी कमर के सारे बल निकाल दूंगा। हाँ जाता हूँ, इस गंदी हवेली से निकल जाऊंगा। आपको तो इसकी हड्डी, दफा हो यहाँ से। कोड़ा होगा तुमको, कोड़ा। नहीं नहीं कुमार, गौरी को कमरे में बंद कर दो, जब तक इस लड़की को अपनी गलती का एहसास ना हो इसका खाना पीना बंद। जी बाबू। चल अरे ओ सांबा सरदार, ये रामपुर के ठाकुर लोग कौन से चक्की का आटा खाते हैं जी, इनके हाथों में बहुत ताकत है जी। बहुत जुल्म किया है इन हाथों ने रामपुर के गांव वालों पर। अच्छा ये तलवार तो देना जी। इन हाथों ने गौरी को तकलीफ दिया ठाकुर, देवी जैसे गौरी को मार दिया, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, दे दे ठाकुर। अयो
हम सपने में ठाकुर को काटा जी। ये मुर्गन तुम हमको डांस डायरेक्टर क्यों बनाया जी? गब्बर सिंह बनाना था ना जी? लोगों को दिलो और दिमाग में दहशत खत्म होने से पहले जालिम सिंह खुद खत्म हो जाएगा। नहीं जालिम सिंह, हम तुम्हारा खात्मा नहीं जिंदगी चाहते हैं। काम हो जाएगा ठाकुर, इससे पहले कि वो चिंगारी शोला बनकर हमारी उम्मीदों के महल को जलाकर राख कर दे, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। जालिम सिंह का जुल्म सिर्फ उस इंस्पेक्टर को ही नहीं, उसके सारे खानदान को तबाह कर देगा। करण भैया, करण भैया, क्या हुआ? करण भैया, करण भैया, पिताजी ने और जयसिंह भैया ने आपको मारने के लिए जालिम सिंह को घर पे बुलाया है। नागिन, घबराओ नहीं बहन, कुत्ते कभी शेर का शिकार नहीं करते। मेरे बाप को कुत्ता बोलता है, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। गौरी, गौरी, ये क्या किया? अरे गौरी, 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 हमजादे! उसे लहूलुहान कर दिया। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी बेटी का खून कर दिया, खून कर दिया ठाकुर। इंस्पेक्टर, जब अपने ही बाग का फूल चिंगारी बनकर अपने बाग को चला दे तो उसे बुझा देना ही बेहतर है। रही मेरे बेटे की बात, तो मैं उसे कानून के शिकंजे से बचा ही लूंगा। अब तुम उसे क्या रिहा करवाओगे? वो तो जिंदगी के ख्याल से रिहा हो चुका है। इंस्पेक्टर, तूने मेरे बेटे को खूनी खून करके फरार हो रहा था। पुलिस के रोकने पर उसने पुलिस का मुकाबला किया और मुकाबला करते करते खुद मारा गया। इंस्पेक्टर, अपने बेटे की चिता की रात ठंडी होने से पहले अगर मैंने तुझे चिता की आग में जिंदा ना जलाया तो मेरा नाम ठाकुर कृपाल सिंह नहीं। Bye.
आज सारा गांव देख तेरा मेरा प्यार, आहा देख तेरा मेरा प्यार। गोरी तेरी तांसुली सांसों में रस घोले, गोरी तेरी तांसुली सांसों में रस घोले, आंखों में है मस्ती छाई दिल हम सबका डोले, आंखों में है मस्ती छाई दिल हम सबका डोले। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, तू नदिया में धारा, तू है कली तो मैं हूँ खुशबू, तू नदिया में धारा, तेरी आंखों से मैं देखूं सजनी ये जग सारा, तेरी आंखों से मैं देखूं सजनी ये जग सारा।
माँ ये क्या हुआ? जाग बा, माँ जाग बा उनको बचा ले, मेरी फिकर छोड़। क्या हो गया? नहीं कुछ करेंगे नहीं। जाग जाग जल्दी जाग जाग Thank you.
ये नहीं हो सकता। क्या हो? ये नहीं हो सकता भैया। नहीं, नहीं। वाह, बहुत ही मुनासिब मौके पर तुम लोग जेल से फरार होकर आए हो। बादशाह खान जब जब जो जो करता है मुनासिब ही करता है ठाकुर। हमने एक साल जेल में रह लिया, बस बहुत है। लेकिन हमें तो चैन से बैठने की आदत नहीं। और तुम लोगों को चैन से बैठने भी नहीं दिया जाएगा। आज ही रात तुम लोगों को वारदात करनी है। वारदात? हाँ बादशाह खान, तुम्हें एक लड़की का खून करना है। ठाकुर, चार शेरों से कह रहे हो कि वो एक बकरी का शिकार करें? वो बकरी नहीं जाबिर खान, ऐसी शेरनी है जो जंगल के सारे शेरों पर भारी पड़ सकती है। जुर्म के इस जंगल में हमारे पीछे ऐसी कौन सी शेरनी ने जन्म ले लिया ठाकुर? बादशाह खान, उसने हमारे चार साथियों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया है। इसका मतलब है शेरनी के मुंह को लहू लग चुका है। ऐसी शेरनी का शिकार करने में बड़ा लुत्फ आएगा बादशाह खान। लेकिन इस वक्त वो शेरनी है कहाँ? जेल में। लगता है लड़की बहुत नमकीन है। फिजूल की बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जिस काम के लिए आए हो सिर्फ वही करो। साठ रन में जेल की हवाओं ने चश्मे जंग लगा दिया है खान भाई, और आज उसे जंग को उतारने का मौका मिला है। लखन यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। लखन, जिस अर्ज से तुम अपने जिस्म का जंग उतारना चाहते हो, वो बेचारी किसी की बहन हो सकती है या बेटी भी। हमदर्दी उससे जताई जाती है जो उसके काबिल। ये औरत दूध की धुली नहीं है, गुनाहों की पुतली है, और इस औरत के साथ गुनाह करना कोई गुनाह है ही नहीं बादशाह भाई। और खान भाई, तुमने सुना नहीं ठाकुर ने क्या कहा था? ये लड़की बकरी नहीं, शेरनी है, शेरनी। हाँ, और मैं तो कहता हूँ इस शेरनी के साथ पहला पंजा तुम्हें लड़ाना चाहिए खान भाई। हाँ बादशाह भाई, ये मुकाबला बराबर का होगा। ठीक है, कोशिश की थी मगर नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा का मैल नहीं धो सकी, क्योंकि मैं तो सिर्फ नाम की गंगा हूं ना। नहीं, नहीं। लेकिन अगर गंगा मैया का पूरा जल भी तुम्हारी आत्मा पर उड़ेल दिया जाए ना, तब मैं
तुम्हारी आत्मा का मैं नहीं धुल सकता। सोच क्या रहे हो, आगे बढ़ो और कब लौटती हो बस पूरी? नहीं, नहीं, नहीं। तुमने और उन कमीने कुत्तों में फर्क क्या है जिन्होंने पहले भी मेरी इज्जत लूटी थी? मैं तुम्हारे सामने हूँ, आगे बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे बढ़ो। नहीं गंगा बहन, बस करो मेरी बहन, बस करो। या खुदा मुझसे ये क्या गुनाह हो गया? मैं नहीं जानता कि परवरदिगार तू मुझे क्या सजा देगा, लेकिन बादशाह खान ये जरूर जानता है ये अपने आप को क्या सजा देगा। इन हाथों को जिन्होंने अपनी बहन के जिस्म को छुआ है, बादशाह खान तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा इन हाथों को, तोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा। जिस्म को बुरी नजर से देखा उन नाकों को फोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। नहीं नहीं बादशाह भाई, बादशाह खान भाई, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नहीं बहन, मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे मन में प्रायश्चित की भावना जागी, समझो पाप का प्रायश्चित हो गया। हाँ खान भाई, अगर आप प्राश्चित करना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है। हम उन हरामजादों का वजूद ही मिटा देंगे जिन्होंने हमारी बहना को मिटाना चाहा। जो हमारी बहना को हमारे हाथों मिटा देना चाहते हैं। बिल्कुल तुम ठीक कहते हो लाखन, वो हरामजादे बादशाह खान के कहर से नहीं बच पाएंगे। नहीं खान भाई, उन कुत्तों को कुत्तों की मौत मैं अपने हाथों से मारूंगी। ये कैसा कानून है सर कि कातिल आजाद रहे और पुलिस ऑफिसर कानून की बेड़ियों में जकड़ा रहे? विजय, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन ये एक बात याद रखो, जब पुलिस ऑफिसर फर्श की सीढ़ी से गिरता है तो कांच के बर्तन की तरह टूटकर बिखर जाता है। तुम्हें बिखरना नहीं है बल्कि जुल्म के कांटों को समेट कर कानून के भट्टी में झोंकना है, ताकि इंसानियत के पांव जख्मी ना हो। नहीं सर, ठाकुर कृपाल सिंह तो बड़े दयालु और कृपालु आदमी है सर। बगमत, उनके जैसे दयालु और कृपालु दो और इस गांव में हो जाए तो ये सारा गांव जहन्नुम बन जाएगा, जहन्नुम। अच्छा, तुम गंगा के बारे में क्या जानते हो? उस मैली गंगा के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं सरकार। पूरे गांव के सामने दिन दहाड़े ठाकुर के चार आदमियों का खून कर दिया था उसने। पति की चिता की आग बुझने से पहले ही पूरे गांव में उसके जुल्म की आग फैल चुकी थी। वो औरत नहीं है सरकार, खूंखार डायन है, खूंखार डायन। यू झूठ बोलते जी, आइए यू झूठ बोलते जी, झूठ बोल के अपने लिए नरक का दरवाजा खोलते जी। भगवान मुर्गन तुमको कभी माफ नहीं करेगा जी, तुम हवालदार नहीं जी, गड्डी नाली का कीड़ा है जी, कीड़ा। आपकी तारीफ। हम वीरप्पन करुणा स्वामी अय्यर, हम नट सम्राट नट राजन, हम इस गांव के हर आदमी का पोल खोलता जी। अच्छा, तुम गंगा के बारे में क्या जानते हो? गंगा, गंगा तो गंगा जल से भी पवित्र है जी। उस देवी की इज्जत आरामजादे एसपी और जय सिंह ने उसके पति के सामने लूट ली। उसके पति करण साहब को मार डाला, उसके मां का खून कर दिया, और वो एसपी आरामजादा एसपी एक नंबर का 10 नंबरी है, कुत्ता है ठाकुर कृपाल सिंह का कुत्ता। ठाकुर कृपाल सिंह ने उसके गले में चांदी का पट्टा बांधा हुआ है और हर रोज उसे सोने की बिस्किट खिलाता है। ठाकुर के बेटे को तो साहब ने अंदर कर दिया था, लेकिन वो हरामजादे एसपी ने उसे बाहर निकाल दिया। जालिम सिंह भी ठाकुर का ही आदमी है साहब। इस गांव में तो गुंडों का राज चलता है जी, गुंडों का राज। ये गुंडा राज मैं खत्म करूंगा, मेरे हाथों से अब कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा।
सके तो ढोकले बढ़कर दुनिया का कानून, रोक सके तो ढोकले बढ़कर दुनिया का कानून। अपने लुटे दीदार के बदले गंगा मांगे खून, गंगा मांगे सरकार। हमारी सून पसीने की कमाई मत लूटिए मालिक, मत लूटिए। चुप कुत्ते की औलाद, हमें लुटेरा कहता है? अरे हम इस गांव के अंदाता है, मालिक है इन गांव वालों के। हमारे गोदाम खाली रह जाए और तुम लोगों का पेट भर जाए, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है हरामजादे। तो कह दे अपने मर्द से अपनी सारी फसल अपने हाथों से हमारे गोदाम में पहुंचा दे, वरना हम उसकी खाल उधेड़ देंगे। सारी फसल आप ही ले लेंगे छोटे ठाकुर, तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हमें जीवन दान दे दीजिए। बड़ा प्यारा मासूम आया। अपने मर्द से बोल के अनाज हमारे हवाले कर दे, वरना इसके साथ साथ तेरे बच्चे की भी जान ले लूंगा। मैं अनाज नहीं दूंगा। नहीं देगा? रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया। बेटे लगता है तुझसे ज्यादा तेरे बाप को अनाज प्यारा है। अपने बाप के पास जाएगा? ले 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 ले। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है ठाकुर। देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। गंगा तू जिंदा है? हाँ कमीने, पहचान गया ना मुझको? तू ही तो है जिसकी इज्जत का आंचल हमारे बेटे ने तार तार किया था। तेरे उन्हीं काले कारनामों की सजा देने आई हूँ तुझे। वाह मेरी मिट्टी की शेरनी वाह, घोड़े के साथ साथ जबान भी चला लेती है, लेकिन हमसे टकराना इतना आसान नहीं है। वो देख, हरामजादी शीशा होकर पत्थर से टकराने आई है। हमने तो तुझे जान से मारने के लिए मौत के फरिश्ते भी जेल में भेजे थे। मौत के फरिश्ते आज तेरी मौत का सामान लेकर आए हैं। बादशाह खान। हाँ ठाकुर हाँ, जिसे तू हमारे हाथों मरवाना चाहता था वो हमारी गंगा बहन है। और बहन की तरफ उठने वाले हर हाथ को हम काट देंगे, निकाल देंगे उनकी आंखें जो हमारी बहन की तरफ उठेंगी। काट देंगे वो सर जो हमारी बहन के सामने उठेंगे। सर तो अब तुम्हारे कटेंगे बेवकूफो, वो देखो। अब तुम्हारे आदमी का जिस्म है जमीन पर और आत्मा आसमान पर होगा जी। स्वामी तुम? हाँ जी वही स्वामी, लेकिन ऊपर वाला स्वामी अंतर्यामी, हम उस स्वामी का सेवक जी, और उसका सेवक अब तुम्हारा भेजा उड़ा देगा जी। लेकिन तुम लोग को भेजा है क्या जी? जलाते हैं जब तू अंधारे बन।
क्या हुआ ठाकुर? तुम्हारे वो चारों साथी बादशाह खान जाबिर लाखन और माखन तुम्हें धोखा देकर उस हरामजादी गंगा के साथ मिल गए हैं। क्या? जालिम सिंह से गद्दारी? अब वो चारों हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। ठाकुर, अरे ओ ठाकुर, शेर से दोस्ती करके गीदड़ों से डरते हो? शायद तुम्हें पता नहीं कि अगर सारे गीदड़ एक साथ हो जाएं, तो वो एक अकेले शेर पर भी भारी पड़ सकते हैं। खैर, इंस्पेक्टर करण की मौत के बाद उसका छोटा भाई इंस्पेक्टर विजय अब इस इलाके का नया थानेदार बनकर आया है। क्या कहा ठाकुर? इस धरती पर आया है ए प्रभु, ऐसा तो जहां के पालनहारे, तेरा बनाया हुआ बंदा मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है। ऊपर वाले तू चिंता ना कर, तू सिर्फ उसके लिए एक सीट खाली रखना, तेरा बंदा शीघ्र उसे तेरे पास भेज देगा। जाबिर खान, देखो ये कौन सतमी हालत में पड़ा है। गंगा बहन, वर्दी से तो जो कोई पुलिस वाला लगता है, इसे बचाने में खतरा हो सकता है। खान भाई, पुलिस वाले भी तो इंसान होते हैं। जाओ जाबिर। ठीक। विजय, क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला। अभी तक वो लोग डॉक्टर को लेकर क्यों नहीं आए? कहीं उनके पीछे पुलिस तो नहीं पड़ गई? हाँ, बुखार तो बहुत बढ़ गया है। अगर एक घंटे में गोली न निकाली गई तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लाखन। जी सरदार। गर्म पानी और चाकू लेकर आओ। अभी लाया। खतरे की कोई बात नहीं। जाबिर खान। हाँ सरदार। इसे पट्टी बांध दो। ठीक है। गंगा के तो इस किनारे भी मौत है और उस किनारे भी मौत। गंगा ने तो अपनी चंद सांस से बचा रखी है कि अपने पति और सास का बदला ले सके और अपनी इज्जत के लुटेरों को मौत के घाट उतार सके। भाभी, आपका पति मेरा बड़ा भाई था, आपकी सास मेरी माँ थी। अब आप ये सारी बातें कागज पर लिखकर अपने दस्तखत करके मुझे दीजिए। आपको बचाने के बाद मैं उन कमीनों को ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं देवर जी, तुम जो कुछ भी करोगे कानून के दायरे में रहकर करोगे, और उन जालिमों के पास कानून का एक ऐसा रखवाला है जो बराबर का मुजरिम भी है और तुमसे बड़ा ऑफिसर भी। उसके गिरेबान पर हाथ डालोगे तो अपनी ही वर्दी से हाथ धो बैठोगे और फिर सोने की छुरी वाले जेल की सलाखें तो क्या फांसी की रस्सी भी काट सकते हैं। इन सोने की छुरी वालों से
बंदूक की गोली से ही बात करनी चाहिए और मैं इनके साथ बंदूक की गोली से ही बात करूंगी। ठीक है भाभी, अभी तो मैं जा रहा, मगर अपनी अगली मुलाकात देवर और भाभी की नहीं, एक इंस्पेक्टर और डाकू की होगी। देवर जी, मुलाकात किसी रूप में भी हो, मगर मुलाकात होती रहनी चाहिए। लाखन। जी सरदार। इंस्पेक्टर साहब की आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें अड्डे से बाहर ले जाओ। माफ करना देवर जी, जिस तरह तुम्हारे कानून के उसूल होते हैं, उसी तरह हम डाकुओं के भी कुछ उसूल होते हैं। ले जाओ इन्हें। आइए। इंस्पेक्टर, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो? अभी तो सिर्फ बात की है ठाकुर, अगर गंगा भाभी अपना बयान लिख कर दे देती तो तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटता हुआ ले जाता। इंस्पेक्टर, हमारे सामने सर उठाने का अंजाम जानते हो? कांपती है मौत जिनके नाम से, वो नहीं डरते किसी अंजाम से। ठाकुर, पागल कुत्ता सिर्फ एक बार काटता है, क्योंकि दूसरी बार काटने से पहले उसे गोली मार दी जाती है। इंस्पेक्टर, अपनी औकात में रहो। ठाकुर, तुमने इंस्पेक्टर करण को तो धोखे से मरवा दिया, मगर आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो इंस्पेक्टर करण का छोटा भाई विजय है, जिसके सीने में अपनी मां, भाभी और भाई का इंतकाम है और होठों पर तेरी मौत का पैगाम। अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दे कुत्ते। मेरे बाप को गाली दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट। शेरा, मार डालो उसे। ये तो एक छोटा सा नमूना था ठाकुर, असली खेल तो इससे भी भयानक होगा। तूने मेरी गर्दन पर नहीं सांप के बिल में हाथ डाला है, अब तू भरी जवानी में मारा जाएगा पुलिस वाले। आजा आजा आजा। गंगा बहन है ये औरत, जंगल में गंगा गंगा करके पुकारती थी जी। पट्टी खोल दो गंगा बेटी, गंगा बेटी, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। क्या पुलिस के बड़े साहब ने मेरी बेटी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के बंद कर दिया है, पता नहीं वो मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा, उसकी नीयत ठीक नहीं है। फिक्र मत करो माँ, गंगा के होते हुए कोई किसी की बहन बेटी के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकता। बादशाह खान। हाँ गंगा बहन। ये कमिश्नर कल का सूरज ना देखने पाए। नहीं, नहीं,
वर्दी उतार कमीने, इस वर्दी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि यही वर्दी मेरा पति पहनता था और यही वर्दी मेरा देवर पहनता है। उतार वर्दी। नहीं नहीं, मैं वर्दी नहीं उतारूंगा, मैं वर्दी नहीं उतारूंगा, वर्दी उतारूंगा तो मुझे मार देगी, मैं जानता हूँ। बादशाह भाई, निकाल वर्दी, निकाल कपड़े, निकाल ये वर्दी पहन के तूने बहुत पाप किए, अरे निकाल, निकाल तो सही, निकाल 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 रे, ये पैंट भी निकाल देना, पैंट निकाल, पैंट निकाल, निकाल निकाल, शर्मा तक जो है पैंट निकाल, पैंट निकाल, पैंट निकाल बोला ना, पैंट निकाल, निकाल निकाल निकाल, मार बहन पाटली से, मार गंगा मार, अपने पाप पर तरपेगा, रोएगा पछताएगा, अपने पाप पर तरपेगा, रोएगा पछताएगा, गंगा के इंसाफ से कोई पापी बचना पाएगा। इंस्पेक्टर विजय, यह बड़े अफसोस की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पर एक तमाचा है, गंगा का जुल्म इतना बढ़ गया है कि उसने पुलिस स्टेशन में घुसकर एसपी की जान ले ली और पुलिस कुछ न कर सकी। और कुछ कर भी नहीं सकती कमिश्नर साहब, यहाँ के थाना इंचार्ज बरखुरदार इंस्पेक्टर विजय डाकू गंगा के देवर है, इनके फर्ज के आगे शायद देवर भाभी का रिश्ता आ गया है। सर, फर्ज के सामने सारे रिश्ते जल जाते हैं। तो फिर फर्ज की ये आग जो तुम्हारे सीने में ज्वालामुखी की तरह दहक रही है, तुम्हारी प्यारी भाभी गंगा तक क्यों नहीं पहुंची? सर, मैं वादा करता हूं 3 दिन के अंदर गंगा हमारी हिरासत में होगी। क्योंकि गंगा के इंतकाम की आग विजय के फर्ज की आग से कहीं ज्यादा प्रबल है, और ये आग जालिम सिंह जय सिंह और कृपाल सिंह को भस्म किए बगैर नहीं बुझेगी। इंतकाम की आग बुझाने के लिए बारूद की जरूरत होती है बहन, और इस वक्त हमारे पास कारतूस बिल्कुल नहीं है, हम कारतूस लेने शहर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहो जी, गंगा बहन के पास हम है ना जी, नृत्य सम्राट, वक्त आने पर विराट सम्राट भी बन जाऊंगा। हाँ जी। मजा आ गया, देख मर गया ना, अरे मरेगा कैसे नहीं, इससे ज्यादा जहर तो सालम सिंह के बदन में है। अब तुमसे भी ज्यादा जहर तुम्हारे उन 4 गद्दार साथियों में है जिनकी शह पर उस गंगा ने खुलेआम एसपी का खून कर दिया। क्या भगते हो, यहाँ तुम सांप का जहर पीकर पड़े हो और वहां उसकी ताकत का जहर फैलता जा रहा है। मैं उस सलाम जाती की बोटी बोटी करके कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जालिम सिंह कि वो तुम्हारी बोटी बोटी करके कुत्तों में फेंक दे। मेरी बात शांति से सुनो, जिस ताकत पर वो इतना नाच रही है उस ताकत को ही खत्म कर दो। मेरा मतलब है बादशाह खान जाबिर लाखन और माखन की ताकत को तोड़ दो।
पुलिस भागो। गंगा बहन और तुम्हारा देवर अब पुलिस को लेकर इधर आया जी। क्या? हाँ जी, हथियार संभालो जी। नहीं स्वामी जी, हम उन पर गोलियां नहीं दागेंगे। अगर भूल से भी कोई गोली विजय को छू गई तो मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, अपनी अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। अयो, हम गोली नहीं चलाएंगे लेकिन वो चलाएंगे ना जी। अब मर जाएंगे ना जी, मुर्गन संभालना जी। डाकू गंगा, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तुम चारों तरफ से घेर ली गई हो। अगर मेरे तीन गिनने तक तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो मैं गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गोली मत चलाना, हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। डाकू कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है भाभी। नहीं देवर जी, औरत कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, रिश्तों की गिरफ्त में आ ही जाती है। यह बात नहीं कि मेरे पास बंदूक नहीं थी या मेरा निशाना ठीक नहीं, लेकिन गोली चलाती तो किस पर? उस पर जिसने कभी मुझे मां कहा था। ये जो इंस्पेक्टर, आपने ये देखा होगा किसी बेटे ने अपनी मां को मारा, लेकिन ये कभी नहीं देखा होगा किसी मां ने अपने बेटे को मारा। अपने भैया की तरह किसी भी मुजरिम को हाथ से मत जाने दो। ऐसी शिक्षा मत दो भाभी, कभी आपसे कोई जुर्म हो गया तो मेरे हाथों में हथकड़ियां। अरे ना 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 भाभी, ले चलो हमें। जरूरत है। सारी चीजें निपटने के बाद हम खुद तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। एक पुलिस ऑफिसर एक डाकू पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन एक देवर अपनी भाभी पर तो भरोसा कर सकता है। ये सोचने का वक्त नहीं है जी, जल्दी हथकड़ी खोलो जी। हवलदार हथकड़ी खोल दो। मेरे देवर पर आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। घबराओ मत, अपने दुश्मनों को मारे बगैर गंगा मर नहीं सकती। भाभी, देवर जी। शुक्र है भाभी कि आपको होश आ गया। आपका मुजरिम आपके सामने है। भाभी, एक आप हैं जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा ली, और एक मैं हूं जो आपके तंदुरुस्त होने का इंतजार कर रहा हूं। मैं इसलिए कि आपको उस अदालत के सामने पेश कर सकूं जो आपको फांसी का हुक्म दे। इसमें बुराई क्या है देवर जी, ये तो अपना अपना युद्ध है।
मैं धर्म युद्ध लड़ रही हूं और तुम कर्म युद्ध। भाभी, कर्म युद्ध धर्म युद्ध से बड़ा होता है। हां देवर जी, पुरुष के लिए कर्म युद्ध बड़ा होता है, लेकिन स्त्री के लिए धर्म युद्ध। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूं, शाम को फिर आऊंगा। तुम जाओगे कहां देवर जी? मैं जानती हूं तुम बाहर पहरा लगाए बैठे हो, लेकिन तुम कितने ही पहरे क्यों ना लगा लो, कितने ही बांध क्यों ना खड़े कर लो, गंगा हर बांध तोड़कर निकल जाएगी। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया भाभी। सुनो, अय्यर स्वामी को जेल से छोड़ दो। अय्यर स्वामी जरूर गंगा से मिलने की कोशिश करेंगे। लाखन, हाँ, ये राशन मैंने दो महीने तक चल जाएगा ना? लेकिन खत्म हो गया तो दोबारा शहर नहीं जा पाएंगे। ठीक कहते हो तुम, अगर राशन खत्म हो भी गया तो अपने सरपंच से कहकर मंगवा लेंगे। अरे वो सरपंच, वो तो डाकू सालिन सिंह और ठाकुर कृपाल सिंह का चमचा है सारा। वो हरामजादा हमें राशन लगा क्या देगा? चिंता मत कर मुन्ने, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए पता है क्या करने आया हूं। जाबिर खान, भेज रही हूं ठंग से क्रिया कर्म करने के लिए, उसका सिर जिंदगी भर ढूंढते रहना। ये गंगा की तरफ से तुम्हें तोहफा है। गंगा, गंगा।
बादशाह खान, बुखार कम नहीं हो रहा है, लगता है शहर से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है गंगा बहन, मैं शहर जाकर डॉक्टर लेके आता हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दुश्मन चारों तरफ से घात लगाए बैठा है, हमें किसी भी हालत में एक दूसरे से जुदा नहीं होना है। ठीक है जावेद, इसका ख्याल रखना। ठीक है बादशाह भाई। पानी, कैसी तबीयत है स्वामी? पानी, 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 अरे इसमें तो पानी नहीं है। ठीक है मैं ऊपर से पानी लेके आता हूँ। हाँ याद करो उस दिन को जिस दिन तुमने ठाकर के लड़के को टुकड़े टुकड़े करके मारा था, उसी तरीके से मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जा ऊपर वाले के पास, जा ऊपर वाले को तेरी जरूरत है। अय्यर, मेरे भाई ये क्या हो गया? अय्यर, जाबिर, हमजदा, हे भोलेनाथ, आज मैंने पहली बार जाना कि तू भगवान नहीं पत्थर है और तेरी ही सौगंध खाती हूं मैं। कल शिवरात्रि की रात को तब तक तांडव करूंगी जब तक तू पिघल नहीं जाता और मेरे दुश्मनों का मेरे हाथों से सर्वनाश नहीं हो जाता। विजय, आज महाशिवरात्रि है, मैं मंदिर जा रही हूँ, ये लो घर की चाबियां। लेकिन ये शिवरात्रि के दिन शिवजी के सामने तांडव करने से मन की हर कामना पूरी हो जाती है। लेकिन तुम कौन सी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहती हो? मेरी दीदी गंगा, उस पर जितने भी जुल्म हुए हैं उनका वो गिन गिन कर बदला ले सके। मुन्ना फंस गया। मुन्ना, ओ मुन्ना, तूने और तेरी वो गंगा ने बहुत आंख मचोली खेल ली हमसे। अब तेरी आंख बंद करने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि अब वो तेरी रक्षा करे। नहीं, नहीं जालिम सिंह, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मत मारो। हाय हाय, अच्छा तो तुम्हारी मेनका भी तुम्हारे साथ आई है। मेनका जी, हम इसे बिल्कुल नहीं मारेंगे, पर हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपनी बहन गंगा को कह दो कि एक घंटे के अंदर अंदर अपने हथियार हमारे सामने डाल दे, वरना एक घंटे के बाद पता है इसका क्या क्या होगा? इसका राम नाम सत हो जाएगा। राम नाम सत।
दीदी शालू, दीदी ये सोचने का वक्त नहीं है, विजय की जान खतरे में है, जल्दी चलो। क्या जालिम सिंह, लगता है गंगा अपने देवर जी को बचाने नहीं आएंगी। नहीं आएगी तो फिर कर देते हैं इसका। रुक जाओ। आओ गंगा भाऊ जी, आओ अपने प्यारे देवर को उल्टा लटकते हुए देखो। गंगा भाऊ जी, देख हमने तेरे देवर की कुत्ते से भी बुरी हालत कर दी है। जब तक इसके जिस्म में अपने आप को बचाने की शक्ति है, ये अपने आप को बचाएगा, और फिर सांप इसके जिस्म में इतने छेद कर देंगे कि तू गिन भी नहीं पाएगी। फिर भी कोशिश कर, अगर इसे बचा सकती है तो बचा बचा। अरे पगली, आज शिवरात्रि का दिन है, कह अपने शंकर से कि तेरे देवर को बचाए। गंगा, तू अपने देवर की मौत का दर्दनाक मंजर बिल्कुल उसी तरह देखेगी जिस तरह मैंने अपने बेटे की मौत देखी थी। ठाकुर, क्या को रखे साइया, मार सके ना कोई।
पर तो